हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए, यहाँ पर हम कहीं और घूमने जा रहे थे, बट ये रास्ते में सत्यनारायण का मंदिर था तो हम यहाँ पर भी घूमने आ गए, क्योंकि हमने देखा बाकी जो लोग थे यहाँ पे जा रहे थे, हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे तो हमने सोचा हम भी देखते हैं कैसा है ये मंदिर। तो यहाँ पे मंदिर में ये देखिए फ्लावर वगैरह काफ़ी अच्छे सुंदर लगे हुए थे, और ये यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, ये खिचड़ी मिल रही थी, चावल और चने की दाल की खिचड़ी थी, और इसके साथ में एक पैकेट में लड्डू और एक सेब, ऐसे ये प्रसाद मिल रहा था। तो यहाँ पर ये जो गार्डन वगैरह था काफ़ी सुंदर था, और यहाँ पे ये एक आंटी पेड़ पे से कुछ तोड़ रही थी, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या तोड़ रही हैं, तो मैं पास में गई, मैंने देखा इसमें छोटे छोटे संतरे लग रहे थे, बहुत ही छोटे छोटे नींबू के साइज़ के थे संतरे थे ये। फिर मैंने थोड़ा इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा, तो मैंने इसमें दो तीन संतरे मैंने भी तोड़ लिए। ये देखिए तीन संतरे मैंने तोड़े थे। उसके बाद फिर हम यहाँ से चले गए, हम अब दूसरे मंदिर घूमने जा रहे थे, कालका जी के मंदिर। ये मेट्रो से हम जा रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ हम लिफ्ट से नीचे आ गए थे मेट्रो में, तो यहाँ पर टिकट वगैरह भी हम लेंगे, उसके बाद मेट्रो से हम उस मंदिर में घूमने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी ये टिकट काउंटर पर। फिर हमने यहाँ पे ये ऑनलाइन टिकट लेने की कोशिश करी, बट यहाँ पर हमारा जो कार्ड था वो नहीं चल पाया था, फिर मुझे ही लाइन में लगना पड़ा टिकट लेने के लिए। मैं फिर लाइन में लगी रही क्योंकि टिकट तो लेनी ही थी, जाना था इसलिए। और ये देखिए पूरा व्यू है ये मेट्रो स्टेशन का। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए अब जाके मेरा नंबर आ गया था टिकट लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे टिकट लेके अभी आ जाऊँगी। हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए आ गए थे तो सोचा ब्लॉग शूट कर लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाऊँगी अगर अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने एक नया सूट सिलवाया था, तो वही मैंने आज पहना है। और यहाँ पे बस हम ये देखिए टोकन को टच करके हम आगे निकल चुके हैं। अब हम अपने मेट्रो का इंतज़ार करेंगे कि कब तक गाड़ी आ जाएगी। ये हम आ गए अपने स्टेशन पर। और यहाँ पर हमारी मेट्रो भी आ ही चुकी थी, बस ये देखिए। तो जब ये एकदम पास में आती है ना तो बहुत ही तेज़ हवा का झोंका भी लगता है। देखिए पूरी ट्रेन खाली ही थी, ये देख सकते हैं पूरी ट्रेन खाली, और देखते देखते पूरी ट्रेन अभी भर भी गई थी। थोड़ी देर में काफ़ी लोग यहाँ पर चढ़ गए थे, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जैसे पहले होती थी, काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए थे कालका मंदिर। उसके बाद यहाँ पर तो इतनी लंबी लाइन थी कालका मंदिर में कि कुछ पूछो ही मत, बहुत लंबी लाइन थी। और यहाँ पे जो दुकान वगैरह भी लगाई जाती थी तो सब तोड़ दी थी कालका मंदिर में, जैसे जो सामान मिलता था सिंदूर चूड़ियाँ वगैरह काफ़ी कुछ, जितने भी जो भी लोग कालका मंदिर आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी दुकानें लगती थी, सारी दुकानें जो है ना वो तोड़ दी थी। और ये देखिए प्रसाद वाले सब ऐसे ही घूम रहे थे, और इतनी लंबी ज़्यादा लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी। देखिए ये हमारी स्कूटी है जिसको हमने लिया था सेकंड हैंड, तो इसकी हमने यहाँ पर कालका मंदिर के बाद हम यहाँ भैरव मंदिर आए हुए थे, क्योंकि कहा जाता है कि कालका मंदिर होके अगर भैरव मंदिर ना जाया जाए
तो कालका माता के दर्शन जो है वो पूरे नहीं होते हैं, इसलिए हम कालका माता के दर्शन करके भैरवनाथ के मंदिर आए थे, उनके दर्शन करे और फिर यहीं पर हमने अपनी इसकी स्कूटी की पूजा करवाई पंडित जी से। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी हमारी गाड़ी पे ऐसे ये स्वस्तिक वगैरह लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। पंडित जी से हमने बोला हमारी गाड़ी है सेकंड हैंड हमने ली है, इसकी पूजा कर दीजिए। तो पंडित जी बोले पहले आप 251 रुपये की दक्षिणा दीजिए, उसके बाद हम पूजा करेंगे। हमें तो गाड़ी की पूजा करवानी ही थी, क्योंकि बिना पूजा करे गाड़ी को हम आगे कैसे चलाते, इसलिए हमने फिर अपनी गाड़ी की यहाँ पर आज पूजा करवाई। ये स्कूटी ली है इन्होंने अपने काम के लिए, पर मैंने इनसे बोला कि मुझे भी स्कूटी सिखाई देना जब स्कूटी हमारे पास है, क्योंकि जब चीज़ अपने पास होती है तो उसको फिर सीख ही लेना चाहिए चाहे वो कुछ हो। ये देखिए इसमें ये पंडित जी जो हैं वो चाबी पर भी तिलक वगैरह लगा रहे हैं और साथ ही साथ वो मंत्र भी पढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।